हाय गाइस, हाय गाइस। आज हम आपको देने जा रहे हैं BMW X5 का टूर। ये गाड़ी है 5 सीटर और इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं वो हम आपको दिखाते हैं, तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। जय वीरू व्लॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। गाइस, ये है गाड़ी का अंदर का लुक। ये है BMW X5 5 सीटर, एक फैमिली कार है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। अच्छा, इसके अंदर मैनुअल भी अवेलेबल है। गाड़ी जो है ऑल व्हील ड्राइव है। ऑल व्हील ड्राइव मींस 4x4 है। AC इसका मैनुअल दिया हुआ है, इसको आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं। मैनुअल है, स्क्रीन है। स्क्रीन बेसिकली इसके अंदर कुछ फीचर्स दिए गए हैं। आप गाड़ी को जब रिवर्स करते हैं तो रियर व्यू कैमरा है। रियर व्यू आपको पूरा डिस्प्ले यहाँ पे आएगा। ये 5 सीटर कार है और इसके अंदर 7 सीटर भी अवेलेबल है। 13 से 14 की पर किलोमीटर सिटी के अंदर है और जब आप हाईवे पे जाते हो तो 16+ हो जाती है, जैसा कंपनी का कहना है। बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छी है, ऑफ रोडिंग आप कर सकते हैं। पूरा गाड़ी का स्पोर्टी लुक है। अभी जो गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं ये 2016 मॉडल है। इसका बूट देखते हैं। ये देखिए, ऑटोमेटिक बूट ओपनर जो कि रिमोट कंट्रोल से ही ऑपरेट होता है। ये एक ऑप्शन है, ये ऊपर वाला पार्ट है बूट का, और जो सेकंड पार्ट है जो खुलता है वो ये है। दस हजार किलोमीटर पे गाड़ी की सर्विस होनी चाहिए। और गाड़ी की सर्विस की कई लोगों ने हमसे पूछा कि यार सर्विस की कॉस्ट क्या आती है। आप 10,000 किलोमीटर पे कराते हैं सर्विस तो 20,000 से 25,000 रुपए आपकी कॉस्ट आती है। इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ से ऑपरेट होते हैं, और मल्टीमीडिया ऑप्शन है, और इसमें GPS भी है, नेविगेशन भी है। और जैसे ये देखिए, आप स्क्रॉल कर सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं। लाइट के ऑप्शन वैसे यहाँ पे भी है आपका। ये लाइट हो गया, ये लाइट हो गई, ये लाइट हो गई, 3 लाइट्स। सनग्लासेस होल्डर भी है। ये देखिए, लाइट के साथ कितना अच्छा लग रहा है यार, ये मतलब कुछ अलग ही फील आ रही है। अच्छा, अगर मैं गाड़ी की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ एयर बैग्स के हिसाब से, तो गाड़ी के अंदर वही 8 एयर बैग्स हैं। टर्बो चार्ज 3.0 लीटर का इंजन आता है। इसमें टायर साइज जो है इसका 18 से 20 इंच के टायर साइज आता है, अवेलेबल होता है। तो इसके डोर्स जो है वो है पावर लिफ्ट गेट। तो नाम से ही हमको पता चल रहा है पावर लिफ्ट गेट, क्योंकि नॉर्मल गेट से अलग होता है। तो सो दैट इसमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, ज्यादा प्रेशर नहीं लगता खोलने में और बंद करने में। इसके अंदर जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो है रेन सेंसर्स भी हैं। जैसे ही शीशे के ऊपर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो ऑटोमेटिकली इसके वाइपर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और सेंस कर लेते हैं वो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।